नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जावा बहुत ही इजी और सिंपल है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जावा सीखने से पहले हमें सी या सी प्लस प्लस आनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पुरानी कोई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप बगैर किसी लैंग्वेज की जानकारी रखे बिना ही जावा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जावा के बारे में कि जावा होता क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों, जावा पॉपुलर लैंग्वेज है। दोस्तों, जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हम जावा से एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जावा सीखने के लिए हमें कोई विशेष प्रकार की अलग से लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। दोस्तों, सबसे पहले हम जावा सीखने से पहले आपको ले चलते हैं लैंग्वेजेस के बारे में, बताते हैं कि लैंग्वेजेस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। पहले के समय में किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करना बहुत कठिन होता था, क्योंकि वो दोस्तों सीधे मशीन लेवल लैंग्वेज पे कोडिंग होती थी। तो दोस्तों, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि लैंग्वेजेस क्या होती है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हाँ, तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि पहले के समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना और करना क्यों कठिन होता था, आज के समय में प्रोग्रामिंग करना क्यों बहुत आसान है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हमारे पास लैंग्वेजेस कितनी होती हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में लैंग्वेजेस तीन प्रकार की होती है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो तीनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पहले के समय में जब प्रोग्रामिंग की जाती थी तो वो मशीन लैंग्वेज में की जाती थी। दोस्तों, मशीन लैंग्वेज होती क्या है, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, मशीन लैंग्वेज होती है 0 और 1, जो कि बाइनरी नंबर होती है। अब दोस्तों, 0 और 1 का मतलब क्या होता है, इसके लिए दोस्तों एक मिनट के लिए हम आपको फंडामेंटल में लेके चलते हैं। तो दोस्तों जी, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट इसमें लगे होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिक से चलती है, तो इलेक्ट्रिक में दो ही कंडीशन होती है, ऑफ और ऑन। या तो वो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। 0 का मतलब दोस्तों होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है दोस्तों ऑन। जैसे अगर हम कोई बिजली का स्विच ले लेते हैं, तो उसमें यही मिलेगा कि 0 से ऑफ और 1 से ऑन। तो दोस्तों, इसका कंप्यूटर का जो सर्किट होता है, मदरबोर्ड होता है, वो 0 और 1 पे ही चलता है। कहाँ पे सर्किट कि पावर ऑफ होगी, कहाँ पे ऑन होगी, कैसे इस तरह से चलता है। इसलिए दोस्तों, इसको 0 और 1 में करते हैं। और दोस्तों, 0 और 1 में काम करने के लिए चाहे जो भी हमें काम करना होता है, तो हम उसमें काम 0 1 1 0 0 ऐसे कर। दोस्तों, 0 और 1 के अलावा इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर यूज नहीं होता। तो दोस्तों, अगर हमें कुछ भी लिखना हो, तो 0 और 1 में अगर कोई भी कोडिंग करना हो, तो हमें सबसे पहले ज़रूरी होगा कि हम मशीन लैंग्वेज सीख लें, उसके बाद ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। तो दोस्तों, इसीलिए लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कठिन होती है, लेकिन कठिन होती नहीं है दोस्तों, कठिन होती थी। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकेंड नंबर, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में क्या होती है दोस्तों, मशीन लेवल लैंग्वेज जब चलती थी, तो उसमें क्या होता था कि हमें कंप्यूटर को चलाना है, तो 0 और 1 में हमें करना काम करना पड़ेगा, कि कंप्यूटर हमें रिजल्ट भी 0 और 1 में देगा और हम इनपुट भी 0 और 1 में करेंगे। लेकिन दोस्तों, न्यू असेंबली लैंग्वेज आने से 0 और 1 की समस्या ख़त्म हो गई, बाइनरी नंबर की समस्या ख़त्म हो गई, सारे काम दोस्तों कोडिंग पे होने लगे। जैसे 222777 7444 5, इस तरह से दोस्तों कोड पे काम होने लगा। तीसरा आता है हाई लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जो कि हम यूज करते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो कि ए से जेड तक होती है दोस्तों। दूसरी ये रहा ए टू जेड, चाहे वो कैपिटल लेटर हो दोस्तों, चाहे स्मॉल लेटर हो। दूसरा है आगे स्पेस, सॉरी नंबर्स हैं, नंबर्स यूज होता है हाई लेवल में, 0 to 9। और स्पेशल सिंबल, दोस्तों स्पेशल सिंबल में हमारे ये सब सिंबल आ जाते हैं, और भी सारे सिंबल यूज होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश टू इंग्लिश है दोस्तों, तो हम इंग्लिश में प्रोग्राम लिखते हैं और रन कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, हमें रिजल्ट भी इंग्लिश में ही मिल जाता है ट्रांसलेटर के थ्रू। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पहले के समय में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना और प्रोग्राम बनाना कितना कठिन होता था, और आज के समय में प्रोग्राम बनाना और सीखना कितना आसान हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं, आ जाते हैं कि जावा है क्या।
अब दोस्तों इंट्रोडक्शन टू जावा आप जाते हैं देखते हैं दोस्तों, राइट वंस रन एनीवेयर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जावा के कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे राइट करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। दोस्तों जैसे अगर हम कोई भी प्रोग्राम जावा का विंडोज़ में लिखते हैं, उसे हम लिनक्स पे, मैकिंटोश पे, यूनिक्स पे, उबंटु पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसे रन करा सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल आपको देते हैं कि कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन होता है, मोबाइल ऐप को हम किसी जो एक मोबाइल में चल रहा है वो सारे मोबाइल में चलेगा। जो भी हमारे जावा के प्रोग्राम होते हैं सब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, कि जो कि हर प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। इसलिए दोस्तों राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार हम जावा का कोड लिख देंगे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बाद चाहे जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोग्राम को रन कराएंगे दोस्तों रन करेगा। दोस्तों अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ जावा, जावा आखिर है क्या। जावा डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जेम्स गॉसलिंग के द्वारा डेवलप की गई है। जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि दोस्तों अभी हमने आपको बताया था लैंग्वेजेस के बारे में कि मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये सब होती क्या हैं। दोस्तों पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कठिन क्यों होते थे, प्रोग्रामिंग करना क्यों कठिन होता था, क्योंकि वो जीरो और वन पे चलते थे। जावा इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, जावा एक सिंपल लैंग्वेज है। जावा तो एक तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सिंपल लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेजेस में जो कोड दो दो चार चार लाइन में लिखे जाते थे दोस्तों, वो जावा में सिर्फ एक लाइन में लिखे जा रहे हैं, जिसके द्वारा कि हमें कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है। बाकी प्रोग्राम में यही सब परेशानियां होती थी दोस्तों, लेकिन जावा में ऐसा कुछ नहीं है। जावा एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि हम आसानी से सीख भी सकते हैं, प्रोग्राम भी बना सकते हैं और अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों जावा इज़ अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, जावा सामान्य उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा कि हम आसानी से कोई भी प्रोग्राम बना भी सकते हैं, अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर आसानी से हम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जावा इज़ अ राइट वंस रन एनीवेयर। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि जावा राइट वंस, एक बार प्रोग्राम कहीं भी हम राइट कर देते हैं उसके बाद हम किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जावा इज सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस। दोस्तों जावा सी और सी प्लस प्लस के समान ही है। जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसमें जो भी हमें काम करना होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है दोस्तों, उसके बाद ही हम काम करते हैं। जो भी काम करते हैं दोस्तों हम ऑब्जेक्ट पे करते हैं। तो यही है कि जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों अभी तक तो हमने ये देखा कि व्हाट इज़ जावा, लेकिन अब दोस्तों देखते हैं व्हाट इज़ नॉट जावा। दोस्तों कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होती है कि जावा जावा स्क्रिप्ट दोनों एक हैं। तो दोस्तों जावा इज़ नॉट जावा स्क्रिप्ट, जावा दूसरी होती है, जावा स्क्रिप्ट दूसरी होती है। दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट वेब पेज बनाने के लिए काम आता है, जो कि HTML के साथ एम्बेड होकर काम करता है, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि हम वेब बेस एप्लीकेशन, स्टैंड अलॉन एप्लीकेशन ये सब बनाते हैं दोस्तों, और जावा स्क्रिप्ट से हम वेब पेज बनाते हैं। नेक्स्ट, जावा इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों जावा का प्रोग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जाता है, जिसे बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन, शॉर्टकट में बोलते हैं JVM, जो कि जावा का खुद का है दोस्तों। लेकिन जावा खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जावा खुद ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ऐसा नहीं है। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, लेकिन वो होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा इज़ नॉट जस्ट फॉर इंटरनेट। तो दोस्तों
कभी कभी किसी को कन्फ्यूजन हो जाती है कि जावा सिर्फ इंटरनेट के लिए बना है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जावा सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए नहीं है, जावा से हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसा कि हमने दोस्तों आपको पहले ही बताया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उनके तीन प्रिंसिपल होते हैं, पाई कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो पाई कॉन्सेप्ट के बारे में हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।